हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला पूरी तरीके से गर्मा गया है। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं अब वो भी इसको कवर कर रहे हैं। इसी बीच में जो है जी न्यूज पे, अगर आप जानते हो तो डीएनए आता है, उसी में जो एनसीटी के अध्यक्ष है उन्होंने अपना मुंह खोला है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि एनसीटी से उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि अगर एनसीटी रियली में बीएड के साइड में होती तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपने पक्ष को अच्छी तरीके से रखती। मैंने आपने सबने वो पूरी तरीके से 3 दिन की बहस आर्गुमेंट हमने देखी है, जिसमें जो एनसीटी था सुप्रीम कोर्ट के आगे किस तरह से एकदम भीगी बिल्ली की तरह अपनी बातों को रख रहे थे। जैसे कि उन्होंने जो गलती की है उनको पता है कि ये हमसे गलती हुई है और वो आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जब मैंने इनका ये बयान देखा है और इस तरह से इन्होंने बातें की है। एक अध्यक्ष को, एनसीटी के अध्यक्ष को इस तरह से बातें करना शोभा नहीं देता, खास करके इस टाइम में जब आप लोगों की वजह से लगभग 1 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट्स का लाइफ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे तो 3 करोड़ है, लेकिन मैं 2018 से लेकर के 2021-23 तक का जो काउंट कर रही हूँ, जो बच्चों ने इनके कहने के ऊपर जो है बीएड किया है। बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है, मैं ज्यादा बोलूंगी कुछ निकलेगा। चलो पहले, सबसे पहले तो इनका हम बयान देखते हैं कि इन भाई साहब ने बोला क्या है। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब बीएसटीसी ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं, होगा, वो जरूरी होगा, लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। ये 5 साल के बच्चों तक के लिए 1 स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं 1, तीसरी से 5वीं 1, 5वीं से 8वीं 1 और 8वीं से 12वीं 1। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के, तो उससे यह है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। सुना आपने, इनका कहना है कि हम आज से जो फॉलो कर रहे हैं ये 4 स्टेजेस फॉलो कर रहे हैं। हम बात आज की कर ही नहीं रहे सर, हम बात कर रहे हैं 2018 की। 2018 में आपने ऐसा गैजेट क्यों निकाल दिया जिसमें कि बीएड जो है 1-5 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है? और आपने देखा कि जब इनसे ये पूछा गया कि जो 2018 में गैजेट निकला था उसके बारे में आपने क्या, आपका क्या कहना है? पूरी तरीके से गोल इन्होंने घुमा दिया है। कोई सिंपल बात, हाँ हुआ होगा, हाँ ये हुआ, आप नहीं थे उस समय, आपको नहीं पता कि क्या है एनसीटी का काम क्या है, ये भी आप लोग को अब नहीं पता है। रिक्रूटमेंट पूरा पॉलिसी इनको ही बनाना है, तो फिर आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? जब जैसे कि लास्ट में इन्होंने कहा है कि बीएड जो है पूरे 4 स्टेजेस को पढ़ा ले, ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, आप लोग के बोलने में और करने में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया भी था कि एनसीटी एक नया करिकुलम बना रही है जो क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे जो हैं पढ़ा पाएंगे बीएड के कैंडिडेट, खुद देखा था ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मेरा सिर तो रियली में घूम रहा है। और ये जो हमने आज रखा है ये इसलिए रखा है कि एनसीटी ने अपने लाइव गैजेट से पल्ला झाड़ा। मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से कह रही हूं कि एनसीटी पे विश्वास करना बहुत गलत होगा। एनसीटी से हम ये उम्मीद करें कि ये रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे तो रिव्यू पिटीशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दायर करेंगे कि हमें बरगलाया जाए, हमें भटकाया जाए और कुछ दिनों के बाद मामला शांत हो जाएगा, हर कोई अपना अपना रास्ता ढूंढ लेगा। फिर उसके बाद से इन लोगों की जो गलती इन्होंने की, अगर इसको आप गलती मानते हो कि 1-5 में बीएड नहीं होना चाहिए, अगर आप इसको गलती मानते हो तो इस गलती का जो खामियाजा भी आपको भुगतना चाहिए, ना कि उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 2018 के बाद बीएड किया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है आप बोल रहे हो कि 1-5 में बीएड का नहीं होना चाहिए, आपने खुद ही बनाया था ना रूल कि ब्रिज कोर्स के अकॉर्डिंग होगा। ब्रिज कोर्स का नाम भी कोई नहीं ले रहा है कि ब्रिज कोर्स में जो है हम वो 6 मंथ्स का ट्रेनिंग दे रहे हैं बीएड कैंडिडेट को, जिससे कि 1-5 में पढ़ा सके। बहुत ज्यादा ही अब इसमें चक्रव्यूह में जो है सब फंस चुके हैं और धीरे धीरे ये मामला शांत हो भी रहा है, आप लोग भी शांत हो रहे हो, कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, जितने भी न्यूज चैनल इसको कवर कर रहे हैं, हमारा काम यह है कि हम अभी भी उसी तरह से लगे रहें ताकि अपनी बातों को अभी रास्ता ढूंढा जाए कि कौन से रास्ते पे चलने पर जो है हमें सक्सेस मिलेगा। सबसे पहला जो रिव्यू पिटीशन वाला मामला है वो तो गलत लग रहा है, क्योंकि इनका बयान भी देख लो,
खुद ही इनको नहीं पता है कि इन्होंने क्या गैजेट निकाला था और क्या अभी करके ये बैठे हुए हैं, तो इनसे तो उम्मीद ही बेकार है। अब रह गया है ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश निकलवाने के बारे में, उसमें लड़ना है तो वो एक दो तीन लोगों से नहीं होगा, सबको मिलकर के आना पड़ेगा। कुछ चैनल्स हैं जो कि साथ में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अभी भी खड़े हैं बीएड के साथ, लेकिन बाकी लोगों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, उनको मतलब भी नहीं है, ठीक है तुम करो या ना करो। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है बीएड के पास टीजीटी है, 6 to 8 है, 9 to 12 है ना भाई, टीजीटी में मैक्सिमम पोस्ट जो है प्रमोशन से जो है फिल कर दिए जाते हैं हर जगह पे, 1 to 5 वाले को प्रमोट करके 6 to 8 में डाल दिया जाता है, सीट बचता ही क्या है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मार जो है बच्चों पे लगता है, मुझे आए दिन मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि मैम मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, मैं क्या करूं। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन चारों में से कोई दो सब्जेक्ट होना चाहिए, ये जो मामला आपने बैठा करके रखा है उसमें बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो क्या करे वो फिर। अब तो वो टीजीटी भी उनके हाथ से निकल गया, फिर वहां पे कॉम्बिनेशन ही नहीं बना है उनका, तो फिर वो तो नहीं कर पाएंगे, और इधर 1 to 5 से आपने निकाल ही दिया है, तो क्या करेंगे फिर। बीएड करना तो बेकार हो रहा है ना स्टूडेंट्स का। मुझसे सजेशन अगर बच्चे मांग रहे हैं, मैं सजेशन नहीं दे पा रही हूं कि मैं क्या बोलूं आपको क्या करने के लिए। बच्चे बोले मैम बीटीसी कर ले, हम मैम हम डीएलएड कर ले, जो करने के जिनका सक्षम है, जिनके पास पैसा है वो करेंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है, टोटली मैं गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आखिर में आप क्या रास्ता निकाल रहे हो। कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रास्ता क्या निकलेगा। एनसीटी ने फिर से जो है अपना जो असली रूप है वो दिखा दिया है। इस पर मैं यही बोलूंगी सब मिलकर के साथ रहिए। धरना प्रदर्शन के बारे में बातें चल रही हैं, वो उस पर जो है किया जाएगा, जब भी ऐसा कुछ होगा हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे अपने चैनल से, और आप लोगों को साथ में खड़ा होना है। गलत हुआ है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें 1 to 5 में जो है आप जबरदस्ती ले लीजिए, आप हमें ब्रिज कोर्स करवा के ले रहे थे, हमें ट्रेनिंग दिलवा करके ले रहे थे, फिर आज ये मुद्दा भटक जाना कि हम 4 stages में लेकर आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनकी बातों का तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया इन्होंने क्या बोला है। ठीक है, तो ये इनसे अब उम्मीद, एनसीटी से उम्मीद रखना बेकार है, और एनसीटी जल्द से जल्द जो है न्यू गाइडलाइन जारी करेगी। अब उस न्यू गाइडलाइन में इस तरह के बयान के बाद से तो उम्मीद है कि वो क्या करेगी, 1 to 5 से जो है बीएड को बाहर करेगी, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लगा देगी और कुछ नहीं करेगी। तो सब लोग साथ मिलकर के आए, जब जैसे जैसे जो जो स्टेप लिया जा रहा है उसमें साथ मिलकर के सहयोग दें। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली हम आपके लिए जो है लेकर के आए।